ये हमारे पास फ़ैन रिपेयरिंग के लिए आया होता। ओके आप देख सकते हो एसी ब्लू करके ब्रांड है, सीरियल नंबर आप देख सकते हो। ये एक्चुअली BLDC मोटर जो होते हैं ना उस बेस पे ये फ़ैन है। ओके तो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये जो आपको IC दिख रहा होगा ये LNK 362 है। ओके तो इसको हमने रिप्लेस किया है TNY 280 से। ओके क्योंकि ये लोकली ये IC अवेलेबल नहीं था, हमने इम्पोर्ट करके मंगवाया भी था बट हमें कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट मिला उसके अगेंस्ट, मतलब LNK सीरीज़ का ही था, 362 ही था बट ये SO पैकेज में था और उन्होंने SMD पैकेज में भेज दिया। ओके तो पैकेज रॉन्ग हो गया। ओके बट मैंने SO पैकेज का ऑर्डर किया था, वो बाय मिसप्लेस बोलो या जो बोलो वो हुआ है हमारे साथ, ठीक है। इंटरनेशनल से हमने मंगाया था। अब ये फ़ैन हमारे पास रिपेयर हो गया, हमने जब से वो IC को बाईपास किया हमने। ओके TNY के साथ, तो मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके अब इसे ऑन करने का तरीका क्या है, BLDC मोटर को पावर देते डायरेक्ट ऑन नहीं होता, हमने ये पावर दिया तो डायरेक्ट ऑन नहीं होगा। इसको ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे ये 3 वायर होते हैं, जो ब्लू कलर का वायर है वो माइनस रहता है, रेड कलर का वायर है वो प्लस रहता है, और ब्लू वाला जो भी इन दोनों का डिफरेंस वोल्टेज जाता है वो ब्लू येलो वाला जो वायर है ना उसके अंदर इनपुट वोल्टेज रहता है PWM का। ओके तब इसको रोटेट करने के लिए हम इन दो पिन को शॉर्ट करेंगे, मतलब प्लस पिन और ये येलो पिन को। तो मैंने शॉर्ट किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिखा होगा फैन का, और जैसे ये फुल स्पीड में जाएगा, ओके देखो रोटेशन चालू हो गया इसका। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है हटा दिया मैंने। तो इस तरीके से ये फ़ैन ऑपरेट करता है, ठीक है। इन दोनों को शॉर्ट करोगे BLDC मोटर के अंदर तो ये आपका ये फैन रोटेट करेगा। ओके ठीक है, ज़्यादा देर तक रखूँगा तो फुल फास्ट में घूमेगा और फिर हमें वीडियो बंद करके फिर फ़ैन को पकड़ना पड़ेगा। ओके इस तरीके से हम लोगों ने रिपेयर किया, IC बाईपास करना पड़ा हमें। ऐसे ही अगर कोई फ़ैन या फिर कोई BLDC मोटर बेस होगा आपके पास रिपेयरिंग के लिए को भेजना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा मोबाइल नंबर है 9762289704। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये आप हमेशा ये सेटिंग याद रखिएगा। ओके BLDC मोटर में इसी सेटिंग के थ्रू फ़ैन ऑन होता है, बाकी कोई भी मेथड नहीं उसे ऑन करने का। ओके मतलब पूरा पावर सर्किट भी ओके होगा, जब तक आप ट्रिगर पॉइंट पॉइंट पे सप्लाई नहीं दोगे तब तक आपका फ़ैन ऑन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, चैनल पर बने रहिए।